कान छोटे से। ये देखो ये लोग पतंग ले ले घूम रहे, पतंग उड़ाने एक नहीं है। राधे राधे भाई, मैं आज संडे था तो मैं उठा हूँ 11 बजे। oh, no. और 11:10 या 11:15 पे कॉल आया है प्रिंस का कि चलना है कॉलेज आज, वहाँ मकर संक्रांति में कोई प्रोग्राम रखे हैं कॉलेज वाले और शायद पतंग वतंग भी उड़ाया जा रहा है। तो उसने बोला फटाफट 10 मिनट में तैयार हो जाओ और चलते हैं। तो मैं भी फटाफट से तैयार हो गया हूँ 15-20 मिनट में और हम लोग निकलते हैं कॉलेज के लिए। भाई बहुत दिन के बाद कॉलेज फिर से जा रहे हैं हम, और धूप भी। भाई हम लोग पहुँच गए हैं कमता और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि यहीं से लौट जाए घर, लेकिन लौटूंगा नहीं अभी। वाह भाई क्या फूल क्रिएट कर दिए भाई, इतना अच्छा सजा रहे हैं, पूरा पेंटिंग भगवान की। आप ये कृष्ण भगवान छोटे से भाई, वाह कितना अच्छा लग रहा है यार। और ये जो बनाने वाली है मोस्टली लड़कियां बना रही है, मोस्टली लड़कियां बना रही है, मेन आर्ट कर रही है लड़कियां। हां ये देखो लड़कियां हैं भाई, ये लड़कियां आर्ट बना रही हैं मोस्टली। अब मेरा देश अच्छे तरीके से बदल रहा ना। हां वो तो बुलडोजर भी चल रहा है वहां, यहां भी कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। पूरा लखनऊ इतना अच्छे से सजाया गया है, आप लोग समझ सकते हैं अगर लखनऊ इतने अच्छे से सजाया गया है तो अयोध्या का क्या हाल होगा भाई। कान्हा स्टेडियम और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है कि ये रूट जो है जाने वाली है, इधर से गाड़ियाँ वापस आ रही है, हम लोग इसमें गए नहीं, पता नहीं क्या ये गाड़ियाँ वापस आ रही है इसमें, और ये बल्कि जाने वाला रूट है, ये सब नीचे गाड़ियाँ जा रही, सब पता नहीं क्या हो रहा, आगे बंद किए क्या लग रहा है, बंद किए होंगे या तो कोई जाने आने वाला होगा इसलिए वाला रूट बंद कर दिए हैं कि अभी बंद रहेगा, इसलिए सब गाड़ियाँ वापस आके इधर से निकल रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में और जो वहां रास्ता ब्लॉक हुआ था जो मंत्री आने वाले थे वो मेरे लिए नहीं, हम लोग के कॉलेज में ही आए हुए हैं और इसीलिए कॉलेज के बाहर पुलिस वगैरह लगी हुई है। तो ये सांत्वना है, पहले बताया हम लोगों को कि पुलिस वुलिस लगी, हम लोग कहें क्यों, तो अंदर आके पूछ रहे हैं तो वो मंत्री आ चुके हैं जो चीफ गेस्ट है हम लोग के। मंत्री को उन्हें पता नहीं, ये भाई कितना अच्छा डेकोरेशन किया है यहाँ पे। मैम फोटो आपकी क्लिक कर दें, मैम फोटो क्लिक कराने आई करो प्लीज भाई अपने फोन से। वो देखिए वहाँ पे पुलिस लगी हुई है, ये पुलिस वहाँ पे खड़ी है बगल। मैम करा लीजिए, बहुत अच्छी फोटो आ रही है भाई, बहुत अच्छी। और अंदर जो है वहाँ पे पतंग तंग बिक रही हैं, तो खरीद के फिर वहाँ पे अपना इनाम लगा है, इनाम तो लगा है लेकिन खरीद के फिर उड़ानी है भैया, कटे की पतंग वही लूट लेंगे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कटे की पतंग क्लिक हो चुकी है हमारी और मैम लोग के साथ, मैंने मैम लोग की भी क्लिक की और हम लोग अब जा रहे हैं जहाँ पे पतंग का पतंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं अभी आप, और यहाँ पे इनाम भी दे रखे हैं कि जो जीतेगा उसके लिए इनाम भी है भाई। तो चलिए आइए, इनाम है 51,000 इन चेक। मैं भूल जाता हूँ ना गजनी वाली बीमारी, गाइस सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ, और वो पतंग ऊपर चली गई है इतने पतंग उड़ा रही है
ये देखो इन लोग को पतंग ले ले घूम रहे हैं, पतंग उड़ाने एक नहीं है। हे प्रिंस, देखो वहां मैम भी बन जा रहा है। तीन मैम और डायरेक्टर सर, बाकी सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं पतंग। यूट्यूब खोलो कह रहे यूट्यूब से देख के पतंग उड़ाओ। और ये देखो भाई सब टीचर्स हमारे सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं, जय सर, बाकी सब पतंग उड़ा रहे हैं। और हवा भी आवाज बहुत कम चल रही है तो उससे पतंग नीचे आ जा रही, उड़ ही नहीं रही है पतंग। भाई लगाओ जल्दी, और सर हमारे उड़ा रहे हैं। हम लोग की पतंग यहाँ पे है, हम लोग आ गए भाई, तो वहाँ वीडियो बना रहा पीछे सर की। बहुत सही, हम लोग उड़ा चुके पतंग और अब दो टीम आई हुई हैं, उनके बीच में कंपटीशन होगा, जो टीम जीतेगी उसको मेडल मिलेगा। और कितना रुपए मिलेगा? 5100 रुपए मिलेंगे। और जो सेकंड आएगी उसको भी कुछ रुपए 2100 ऐसे प्राइस मिलेगा भाई। और हम लोग उड़ा के नीचे करते हैं, वो दोनों टीम जाएगा, ये हम लोग चुरा ले रहे हैं भाई, वो रहे खड़ी। और उनके बीच में कंपटीशन होगा, एक टीम इस साइड है और एक टीम इस साइड है। कि जाओ खाओ पियो, तो हम लोग टेंट के पीछे आए और टेंट के पीछे सब बन रहा है खाना पीना, और हम लोग उसके खाने जा रहे हैं। देखो इसको पहले पहुंच, देखो ये देखो शांतनु को ले लो, सब फ्री है देखो मेरा, अभी तक पतंग पैक करवा ले रहे, अभी बाहर चल गए खा रहे। उधर जाओ, इन्हें ना छोड़ दो, पकौड़ा लेने गया। थोड़ा स्लो कर लीजिए भाई, थोड़ा स्लो कर लीजिए साउंड, ठीक है ठीक है। चार बज गया है, 4:10 हो गया, और इधर कोहरा इतना ज्यादा हो गया है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। मैं तो टोपी ऊपर लेके आया था कि इधर से आते समय टाइम ना हो जाएगा। बाकी उधर टीम ए और टीम बी थी, टीम ए जीत चुकी है, उसको ट्रॉफी वगैरह वहाँ देंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग निकल रहे हैं भाई। पहले टोपी लगा लूँ तो उसके बाद निकलता हूँ। कोहरा इधर कितना ज़्यादा हो गया, ये देख रहे हो भाई, इधर पूरा कोहरा हो गया है। चलते हैं हम लोग फटाफट भाई। तो हम सब लोग बैठ के आग सेक रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं होता आग से सेकने से, बस मैं बैठता हूँ वहाँ के पास। अच्छा ये है एक, ये है और एक, ये है एक लोग वहाँ। क्या क्या कहना चाहती हो? आपके पास बैठे और सीखने में क्या फर्क है? एक ही था फर्स्ट। मम्मी आज भी खिचड़ी थी, कल भी खिचड़ी है ना? कल मतलब मेरे वहाँ कल 9 बजे से 9 बजे कल खिचड़ी है, कौन था वो? और कल खिचड़ी खाने के लिए मजा आई। फिर मुझे निमंत्रण मिलेगा और मैं जाके खाना खाऊंगा, फिर भूखा खाना पाएगा। मुझे निमंत्रण से क्या मतलब भाई, आप लोग कोई बताए क्या मतलब निमंत्रण? शादी हो रही उनकी, सबसे मजा आता है खाने में, चुनाई में भी।